गुमला जिले के आरती मध्य विद्यालय डुमरपाठ में 4 मतदान केंद्र बनाए गए थे। गुमला उपायुक्त सुशांत गौरव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेसाम वकारीब मतदान केंद्र के औचक निरीक्षण में पहुंचे, जहां उपायुक्त ने पाया कि मतदान केंद्र से 100 मीटर के अंदर ही अनाधिकृत रूप से कई प्रत्याशियों के एजेंट भीड़ लगाकर बैठे हुए हैं। इस पर सर्वप्रथम उपायुक्त ने उनसे उनका परिचय पूछा। इस पर कोई भी युवक कुछ नहीं बोल पाया। मौके पर मौजूद थाना प्रभारी कुंदन कुमार को निर्देश देते हुए उपायुक्त ने 3 युवकों को हिरासत में लेने को कहा। इस पर थाना प्रभारी के द्वारा 3 को हिरासत में लिया गया। इसके बाद मतदान केंद्र के अंदर प्रत्याशियों द्वारा नियुक्त एजेंट के पास मोबाइल देखकर उपायुक्त भड़क उठे। मौके पर उन्होंने कई एजेंटों का मोबाइल भी जब्त करवाया, साथ ही ड्यूटी में लगे सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित अन्य अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि चुनाव के दरमियान किसी तरह का अनुशासनहीनता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतदान की क्या स्थिति है सुदूरवर्ती क्षेत्रों में? गुमला जिला के सुदूरवर्ती जो हमारे क्षेत्र में गुलदारी थाना क्षेत्र में जो एक हमारे क्लस्टर पॉइंट है, वहाँ आज हम लोगों ने देखा और पूरी तरह से जो हमारे यहाँ चाक चौबंद है, सुविधा व्यवस्था सारा कुछ दुरुस्त है और जो भी प्रोटोकॉल है नियम के अनुसार लोग यहाँ पर अपने वोट दे रहे हैं, शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है। और अभी तक जो हम लोगों ने देखा, यहाँ 4 बूथ के पॉइंट है और करीब 50% वोटिंग हो चुका है। तो इसके लिए मैं यहाँ के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतनी बढ़िया, इतनी अच्छे संख्या में अभी 9:30 बजे तक आप लोगों ने किया है। तो मैं इसके लिए आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और मैं इसके साथ ही अपनी सभी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस जगह पर आकर शांतिपूर्वक अभी तक जो है वोटिंग का कार्य संपन्न कराया है। आशा करते हैं कि यहाँ शांतिपूर्वक सभी चीज़ों को संपन्न कराते हुए हम लोग यहाँ के वापस जो रिसीविंग सेंटर है वहाँ तक इसी यहाँ के मतदान और मतपत्र और मतपेटिका जो है वहाँ हम लोग जमा करा सकते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।